नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा पैटर्न लाई हूँ, जिसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, हैट में, चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे, ये सब में बहुत ही अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आपको ढेर सारे डिज़ाइंस देखने हो तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 8 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 5 फंदा एक्स्ट्रा। तो मैंने सिलाई में 21 फंदे डाले हैं, 16 और 5 फंदा 21 फंदे डाले हैं और 2 लाइन का बॉर्डर बना लिया है। अब ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, ऊन को अपनी तरफ करेंगे और 1, 2 और 3 फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब ऊन दूसरी ओर करेंगे और 5 फंदा सीधा, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उन अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, 5 फंदा सीधा। चार फंदा बचेगा तो उन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तो इस तरह हमारा पहला लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, उन अपनी ओर करेंगे और 5 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 8 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। उन दूसरी ओर 3 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 5 फंदा उल्टा। उन दूसरी ओर अब देखिए 4 फंदे हैं, 5 फंदा एक्स्ट्रा में, 4 फंदे ये हैं, 3 फंदा सीधा और 2 फंदे एज स्टिच के। तो इस तरह हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये हमारे डिज़ाइन का तीसरा लाइन है। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, 3 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, उन दूसरी ओर। अब इस फंदे को हम ऐसे दाहिनी सिलाई में ले लेंगे और एक दूसरे फंदे को भी ले लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया, अब बीच वाला फंदा इसे सीधा बुनेंगे। अब देखिए लास्ट के 2 सीधे फंदों में बचे हैं तो हम पहले दूसरी सिलाई में दूसरे फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले फंदे में ऐसे दूसरे की तरफ से सिलाई डालेंगे और देखिए फ्रंट लूप से हम एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे भी हमने 2 का एक कर लिया, उन अपनी ओर करेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, उन दूसरी ओर। अब देखिए इन 5 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो पहले वाले फंदे को दाहिनी सिलाई में ले लेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे को, फिर दोनों को एक साथ लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे हमने 2 का एक कर लिया, फिर एक फंदा सीधा। अब देखिए पहले दूसरे फंदे में सिलाई डालेंगे, फिर पहले फंदे में ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पर भी हमने 2 का एक कर लिया। अब ये 5 फंदे जो हो गए वो 3 फंदे हो गए, 5 से ये 3 फंदे हो गए। अब उन अपनी ओर करेंगे, 3 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम
सीधा बुनने में। तो इस तरह हमारा तीसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं रॉन्ग साइड में, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं छह फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, उन दूसरी ओर तीन फंदा सीधा, उन अपनी ओर तीन फंदा उल्टा, दूसरी ओर। अब देखिए चार फंदा बचे हैं, तो तीन फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये डिजाइन का पांचवा लाइन है और सामने से, तो पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, उन दूसरी ओर करेंगे, पहले फंदे को ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे, फिर इन दोनों फंदों को दाहिनी सिलाई में चढ़ा लेंगे। अब जो पहला फंदा है इसे उठाएंगे और ऐसे सिलाई से नीचे गिरा देंगे, अब उनको अपनी ओर करेंगे, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, उन दूसरी ओर, ये तीन सीधे फंदे बचे हैं, तो पहले फंदे में ऐसे सामने की तरफ से सिलाई डालेंगे और दो फंदों को ऐसे पर्ल वाइज, फिर पहले फंदे को उठाएंगे और सिलाई के नीचे ऐसे गिरा देंगे, ऐसे फंदे को उठाइए, सिलाई पर ऐसे उंगली लगाइए और ऐसे नीचे गिरा दीजिए। अब उनको अपनी ओर करेंगे, देखिए तीन फंदा उल्टा है, इसे उल्टा बुन लेंगे, लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे। छठा लाइन और रॉन्ग साइड, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे और एक और दो फंदा सीधा। अब देखिए तीसरे फंदे को, और ये जो हमारा पांच से दो फंदा हुआ है इसमें से एक फंदा लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, यानी यहाँ पर भी हमने एक फंदा घटा दिया। अब देखिए, अब ये तीन सीधे फंदों में से ये पहला फंदा और ये डिजाइन का फंदा, इन दोनों को हम एक साथ लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। अब देखिए ये हमारे पांचों डिजाइन के फंदे घट गए। अब फिर एक फंदा, देखिए तीन फंदों में से एक फंदा इधर आ गया, ये बीच वाला फंदा, इसे सीधा बुन लेंगे। अब ये तीसरा फंदा और ये डिजाइन का फंदा, एक फंदा लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। अब तीन फंदों में से ये पहला फंदा और इस डिजाइन का फंदा, इन दोनों को हम ऐसे लेंगे और सीधा बुनते हुए दो का एक। अब लास्ट में तीन फंदे बचे हैं, तो दो फंदा सीधा और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा ये छठा लाइन कंप्लीट होता है। अब हम आ जाते हैं सामने की तरफ और ये डिज़ाइन का सातवां लाइन है। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो और तीन। अब यहाँ देखिए डिज़ाइन के पांच फंदे थे और यहाँ पे घट के पांचों फंदे ख़त्म हो गए। तो अब क्या करेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे। देखिए यहाँ पे जो ये फंदा दिखाई दे रहा है, ये सीधा फंदा, इसमें हम सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे, एक हुआ, ऐसे थोड़ा सा खींचेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे और फिर इसी में से एक और लूप निकालेंगे। तो ये हमारा जो उन हमने अपनी ओर किया है, तो ये दूसरा फंदा हो जाएगा और यहाँ से ये तीसरा फंदा, देखिए खींच लेंगे, तीन हुआ, फिर उन अपनी ओर करेंगे और फिर यहीं से एक और फंदा, पांच फंदा। तो यहाँ पे पांच फंदे घटे थे और हमने वापस पांच फंदे बना लिए, एक दो तीन चार, देखिए एक दो तीन चार और ये पांच, पांच फंदे वापस हो गए। अब उन अपनी ओर करेंगे और ये तीन उल्टे फंदे इसे हम
उल्टा बुनेंगे। फिर से देखिए, यहाँ पे 5 सीधे फंदे थे जो घट गए हैं। अब हमें यहाँ पे डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए 5 फंदे बनाने होंगे। तो देखिए, ये जो सीधा फंदा है, बीच वाला सीधा फंदा, इसमें हम सिलाई डालेंगे और एक लूप निकालेंगे। एक ऊन अपनी ओर किया, 2, फिर यहीं से एक और हम फंदा निकालेंगे, 3, थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और फिर यहीं से एक और फंदा। तो ये 4 और ये हो गया 5। तो हमने 5 से 5 फंदे बना लिए। अब ऊन अपनी ओर करेंगे और 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, ऊन दूसरी ओर करेंगे, लास्ट फंदा एज स्टिच है तो इसे हम सीधा बुनेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का 8वां लाइन है। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, उन दूसरी ओर 3 फंदा सीधा, और अब ये 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, उन दूसरी ओर 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, फिर 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4 और 5, उन दूसरी ओर 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, उन अपनी ओर लास्ट फंदा एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो हमारा ये 8 लाइन का डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब फिर हम पहले से अपना डिज़ाइन शुरू करेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, उन अपनी ओर 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, उन दूसरी ओर 5 फंदा सीधा, 2, 3, 4, 5, उन अपनी ओर 3 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 5 फंदा सीधा, 3 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर लास्ट फंदा सीधा। अब देखिए, फिर ये हमारा पहला लाइन स्टार्ट हो गया। अब फिर दूसरा लाइन, तीन फंदा सीधा, उन अपनी ओर 5 फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा, उन अपनी ओर 5 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 3 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 1 फंदा उल्टा। अब देखिए फ्रेंड, अब आपको डिज़ाइन स्पष्ट हो गया होगा। अब फिर तीसरी लाइन, यानी 3 उल्टा, यहाँ पे 5 फंदों से हम 3 फंदा करेंगे तो 3 उल्टा हो जाएगा, 3 सीधा, 3 उल्टा, 3 सीधा, तीसरी लाइन। तो इसी तरह फिर से हम अपना 1 से लेके 8 लाइन तक हम ऐसे ऊपर ऊपर बनाते जाएंगे और ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, बेहद खूबसूरत डिज़ाइन है फ्रेंड्स। इसे आप जेंट्स स्वेटर में बनाइए, बेहद खूबसूरत लगेगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।